पाकिस्तान को कश्मीर घाटी में दम तोड़ता आतंकवाद और सामान्य होते हालात रास नहीं आ रहे हैं, वो बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने अपनी जनता का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाने के लिए अपने आतंक के आकाओं को कुछ बड़ा करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की संख्या बढ़ाने और सीमा पर घुसपैठ के प्रयास तेज करने के आदेश जारी किए गए हैं। श्रीनगर में जुनैद मट्टू को फिर से मेयर पद के लिए चुन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ GMC इलेक्शन के दौरान बड़ा ही अलोकतांत्रिक घटना सामने आई है कि कैसे डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी और उनके सपोर्टर्स को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाला गया। PDP के यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद पारा के NIA द्वारा गिरफ्तारी के बाद पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, BJP देश भर में अनुच्छेद 370 का लाभ ले रही है, जब कश्मीरी इसके निरस्त्रीकरण पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पाकिस्तान में बलात्कार पर सख्त कानून को संवैधानिक मंजूरी मिली है। यहां दुष्कर्म के दोषी को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का प्रावधान रखा गया है। जम्मू कश्मीर सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की सूची में देश में दूसरे स्थान पर है। यहां आतंकवादी हमले में इतने लोग नहीं जान गंवाते जितने सड़क हादसों में मारे जाते हैं। ये पहाड़ी राज्य है और यहां सड़कों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। जम्मू कश्मीर में हर साल 900 से अधिक लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास कोई रोड मैप नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक और पुलिस प्रशासन को जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए हर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। देश भर में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 44,499 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 524 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,66,706 हो गई है। तो वहीं देश भर में अब तक 1,35,223 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले हैं। इनका दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। वहीं शंभू बॉर्डर पर बवाल खड़ा हो गया। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने नदी में बैरिकेड तक फेंक दिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर भाजपा विधायक को लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव का नंबर शेयर किया था, जिसे ट्विटर ने हटा दिया। ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट में नंबर सार्वजनिक कर नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए हटाया गया है। जिला रामबन में बिजली समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। आए दिन वहाँ बिजली की अव्यवस्थित ढांचे की खबरें सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं। रामबन के दूर दराज पहाड़ी इलाके में बिजली की तारें और खम्भे बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से लगे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। ये बिजली की तारें पेड़ों से लिपटी हुई हैं या लकड़ी के टूटे खम्भों के साथ लिपटी हैं। जिला रामबन से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर परनोत बी के स्थानीय लोग बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। वहीं बिजली के अघोषित कट ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए नागर विमान महानिदेशालय DGCA ने इंटरनेशनल उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बीते दिन निधन हो गया। गुजरात के भरूच जिले स्थित पैतृक गांव में पटेल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी सिलसिले में राहुल गांधी भरूच पहुंचे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज और बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। आज देश शहीद जवानों और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस मुख्यालय जाकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।